कोशिश कर रही हूँ तो फाइनली आई डिड माई बीची वेव ट्यूटोरियल एंड दिस इज फुल बीची वेव. जब आप करते हो तो दिस इज द फर्स्ट डे फिनिश्ड लुक एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. मैंने कल अपना हेयर वॉश किया था सो आई थॉट कि मैं आपको बीची वेव करके दिखा दूं, क्योंकि जब मैं हेयर वॉश करती हूँ ना तो मैं उसके बाद कर लेती हूँ, जिससे वो 4-5 दिन तक अच्छे से रहते हैं थोड़े थोड़े. तो आई लव देम एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, परफेक्ट वॉल्यूमनस बीची वेव्स रेडी टू डांस बट नो वेयर टू गो. तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे एंड अच्छा लगे तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड इट्स अ हाईली रिक्वेस्टेड वन सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब. सो यस, विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स क्विकली स्टार्ट. आई वॉश देम यस्टरडे. सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आई विल जस्ट टेक माई कॉम्ब एंड आई विल ब्रश देम. मैंने उसको सेक्शन कर लिया है बीच में से, ऐसा नहीं है बहुत एग्जैक्ट सेक्शन करना है आपको टेल कॉम्बो से, ऐसा नहीं है, बस आप बीच का सेक्शन कर लो. तो मैंने बीच का सेक्शन कर लिया है, दैट्स इट. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट टेक द क्राउन सेक्शन, क्योंकि क्राउन सेक्शन को ना हमें अलग से ट्रीट करना पड़ता है थोड़ा अच्छे से, क्योंकि वो फ्रंट पार्ट में आता है. तो आई टेक माई क्राउन सेक्शन एंड मैं उसको फोल्ड बाकी सारा छोड़ दूंगी, मुझे बाकी सारे का ऐसा नहीं रहता है. सो आई जस्ट ट्विस्ट इट एंड मैं सिक्योर कर दूंगी उसको एक पिन से. आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मेरे पास जो भी होता है क्लचर वगैरह, मैं उसको यूज कर लेती हूँ एंड देन आई जस्ट कॉम्ब देम, डिटैंगल देम. ऑलराइट, तो मैंने सेक्शन कर लिया है एंड नाउ वी आर रेडी टू डू एक्शन. तो सबसे पहले मैं यूज करती हूँ अलैन ट्रूमैन का ब्लो ब्रश. इसका पूरा रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप चेक कर लेना, आपको हर चीज इसके बारे में पता चल जाएगी वेदर इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट. तो सबसे पहले तो मैं ये यूज करती हूँ. क्यों करती हूँ, क्योंकि जब हमें कर्ल्स करने हैं तो इसको क्यों यूज करना है, बिकॉज लाइक हम नीचे से कर्ल्स कर लेते हैं, सपोज हमने इतने में कर्ल्स कर लिए एंड ये जो पार्ट होता है ना ये वाला, ये हमारा ऐसा वेवी सा जाता है, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करने के लिए मैं इसको यूज करती हूँ. एंड ऑल्सो जब हम इसको यूज करते हैं तो थोड़ा हमारे हेयर में बाउंस आता है, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लोअर है तो हेयर में बाउंस आता है, तो वो बीची वेव्स के साथ और भी अच्छा लगता है. नाउ यू विल से कि स्ट्रेट करने के लिए तो स्ट्रेटनर भी यूज कर सकते हैं, आप जरूर स्ट्रेटनर भी यूज कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटनर से वॉल्यूम कम हो जाता है. मैं इसको यूज करूंगी एंड ऑलराइट, तो यहाँ से ऑन हो गया है एंड यहाँ पर इसकी सेटिंग्स है लो, मीडियम एंड हाई. जैसे भी सेटिंग्स आपके हेयर के लिए रिक्वायर्ड है आप उस पर सेट कर सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग. बेसिकली वॉल्यूम ऐड करने की कोशिश करती हूँ उसको यूज करके, तो मैं इससे वही करूंगी. तो मैं ये चीज बहुत ध्यान से नहीं करती हूँ पतले पतले सेक्शन लेके, मुझे ना थोड़ा सा बस वॉल्यूम चाहिए होता है और थोड़े से स्ट्रेट चाहिए होता है, तो मैं अच्छे खासे मोटे मोटे सेक्शन लेके ये चीज जल्दी करती हूँ. तो अभी आप देखो कि इस साइड और इस साइड आपको डिफरेंस लग रहा होगा, काफी स्मूथ लग रहे होंगे और अच्छे लग रहे होंगे, स्ट्रेट से लग रहे होंगे, थोड़े स्टिल बाउंसी, क्योंकि जब आप स्ट्रेटनर करते हो ना तो थोड़े से फ्लैट से लगते हैं, बट दिस साइड इज लुकिंग अ बिट बाउंसी एंड ये थोड़ा फ्लैट लग रहा है और वेवी से लग रहे हैं, तो ये डिफरेंस आ जाता है इसको यूज करने से, तो इसलिए मैं इसको यूज करती हूँ. अब मैं इसको क्विकली इस साइड भी यूज करूंगी. तो ना ऑन इट्स ओन भी इस प्रोडक्ट की फिनिश बहुत अच्छी है एंड इफ यू आर समवन जिसको कर्ल्स के अलावा जल्दी में कुछ करना है तो ये प्रोडक्ट बहुत क्विक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत इंस्टेंट अच्छे रिजल्ट देता है. तो अभी मैंने ये पार्ट कर लिया है, मैं इसको पीछे कर रही हूँ एंड देन आई ओपन दिस सेक्शन. तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऐड करने की कोशिश करूंगी जिससे हमारे बीची वेव्स और भी अच्छे और वॉल्यूमनस लगेंगे. तो आई जस्ट लाइक कॉम्ब इट. डू यू ऑलरेडी सी कि कितने ज्यादा बेटर लग रहे हैं पहले से. अभी मैं क्या करूंगी, जो मेन क्राउन सेक्शन होता है ना इसको लेके. Thank you.
नाउ यू हैव लॉट ऑफ वॉल्यूम एंड ऑल्सो अगर आपके हेयर में कोई भी मॉइस्चर वगैरह होगा ना तो वो भी थोड़ा सा ड्राई डाउन हो जाएगा और आपके हेयर बिल्कुल ड्राई आउट हो जाएंगे और परफेक्ट हो जाएंगे कर्ल करने के लिए. तो अभी काफी अच्छे लग रहे हैं एंड नाउ लाइक वी कैन गो ऑन फॉर कर्लिंग. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, काफी बेटर लग रहे हैं पहले से, लाइक देखो वॉल्यूम देखो एंड द फिनिश लाइक बिफोर एंड आफ्टर काफी अच्छा लग रहा है. तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फिर से फ्रंट सेक्शन हटा लेना है. अभी हमने सेक्शन कर लिया है. नाउ आई हैव टू वेव्स, एक तो मैं फुल ऑन बीची वेव्स करती हूँ, एक और तरीका है बीची वेव्स करने का जो थोड़ा सा क्विक होता है, जो मुझे जल्दी होती है तो थोड़े थोड़े वेव्स करने के लिए करती हूँ, वो मैं आपके साथ कभी और शेयर करूँ. आज मैं आपको फुल बीची वेव्स ट्यूटोरियल बताऊंगी. तो सबसे पहले तो टू प्रोटेक्ट एंड केयर माई हेयर फ्रॉम हीट डैमेज मैं यूज करती हूँ हीट प्रोटेक्टिन जो है ट्रेसमे से. दिस इज हेयर स्प्रे, तो उसको आपको डायरेक्टली स्प्रे करना होता है, सो इट इज मोर कन्वीनियंट. तो मैं ना पूरे में एक साथ स्प्रे नहीं करती हूँ. अब मैं सबसे पहले ये सेक्शन करूंगी ना तो मैं इसमें स्प्रे कर लेती हूँ पूरे बालों में, स्पेशली एंड्स में, क्योंकि वो जो स्प्रे टेंस हो जाते हैं ना उसकी वजह से मैं अपने बाल बड़े नहीं कर पाती हूँ. तो मैं स्प्रे कर लूंगी. ऑलराइट, तो मैंने स्प्रे कर लिया है सिर्फ एक साइड के बालों में, नीचे नीचे वो भी, क्योंकि मैं वेव्स बेसिकली नीचे की तरफ करती हूँ. तो अब मैं यूज करूंगी कर्लिंग वॉन्ड, ये भी अलैन रोमैन का है. आई लव दिस ब्रांड फॉर हेयर. तो मैंने 2 साल पहले परचेज किया था जब मैं यूट्यूब नहीं देखती थी एंड वीडियोज भी नहीं बनाती थी, कुछ भी नहीं करती थी, पता भी नहीं था. तो मैंने इसको 2 साल पहले परचेज किया था बिकॉज तब बीची वेव्स बहुत ज्यादा इन आए थे एकदम से. एंड दिस टाइप ऑफ वॉन्ड जो ऊपर से मोटा होता है नीचे से पतला होता जाता है गिव्स यू दैट परफेक्ट वॉल्यूम एंड बीची वेव्स, इसलिए मैंने इसको बहुत टाइम पहले परचेज किया था. And I absolutely love this now. Because तब मुझे इसको यूज करना नहीं आता था. लोग पहले चीजें देखते हैं कैसे यूज करते हैं देन खरीदते हैं. मैंने इसको खरीद लिया था बट मुझे इसको यूज करना नहीं आता था. एंड ऑल्सो मैंने केरेटिन करवा रखा था तो जब मैं इसको यूज करती थी ना तो मेरे बालों में जो वेव्स है ना वो रहते ही नहीं थे. मतलब पहले तो इतने अच्छे नहीं आते थे और रहते ही नहीं थे, मतलब आधा एक घंटा बेसिकली चले जाते थे. क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हमको सेटिंग स्प्रे भी यूज करना चाहिए बिकॉज केराटिन होता है तो उसको होल्ड करने के लिए, या नॉर्मली भी अगर आपको अपने कर्ल लॉन्ग लास्टिंग बनाने हैं तो आपको सेटिंग स्प्रे जरूर यूज करना चाहिए. तो अब मैं कर्ल करने के बाद सेटिंग स्प्रे यूज करती हूँ जिससे जब तक मैं वॉश नहीं करती हूँ तब तक मेरे कर्ल्स अच्छे से रहते हैं. लाइक अभी अब जब मैं कर्ल करूंगी तो जब मैं कल मैंने रात में वॉश किया है तो अब जब मैं कर्ल करूंगी तो वो जब मैं नेक्स्ट टाइम वॉश करूंगी तब तक हल्के 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 वेव्स रह जाते हैं. लाइक पूरे तरीके से अभी रहेंगे, कल थोड़े कम हो जाएंगे, परसों और कम हो जाएंगे एंड देन आई एम गोना वॉश, तो नहीं थोड़े थोड़े रह जाते हैं. तो वो जो इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर्ल करने के बाद ये वाला स्प्रे यूज करती हूँ. अब मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया हीट प्रोटेक्टिन. ये आपको इसमें टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है तो पहले तो मैं इसको गर्म होने के लिए लगा देती हूँ. तो यहाँ पर ये अभी ऑफ है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है ऑन एंड ऑन. अभी मैं 180 पर रख रही हूँ एंड 200 पे कर दिया है मैंने. आई सजेस्ट कि जब आप ये कर रहे हो ना, क्योंकि इसमें कोई क्लिप नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है रखने के लिए, कुछ और नहीं है, तो आप क्या करो, आप अपने प्लो रख लो. जब मैं ये करती हूँ तो मैं अपने प्लो रख लेती हूँ जिससे करती जाऊंगी रखती जाऊंगी करती जाऊंगी रखती जाऊंगी. अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हो, आप इधर उधर रखते हो, तो चांसेस है कि जब आप इसको नीचे रख रहे हो और आपका ध्यान नहीं गया तो आप अपने आप को हर्ट कर सकते हो. तो मेक श्योर कुछ रख लो, बाय चांस वो आपके हाथ से छूटता है बिकॉज इट इज लाइक. वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बिल्कुल लाइट वेट है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है. आई नो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव बट इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत लाइट वेट है क्योंकि आपको अपने पूरे बाल कर्ल करने होते हैं. तो कोई प्रोडक्ट हैवी होगा तो बहुत दिक्कत होगी करने में, दैट इज आई काफी अच्छा प्रोडक्ट है. तो अब मैं इसको लैप पर रख लेती हूँ, देन आई कर्ल, देन आई मैं उसको लैप पर रख लेती हूँ, सो दैट इट बिकम्स ईजी. तो सबसे ईजी बता रही हूँ मैं आपको कैसे सेक्शन आप इजिली कर सकते हो. या आपने 2 सेक्शन कर लिए ना, अभी पीछे से शुरू करो. तो आई एम गोना टेक दिस पार्ट और इसमें भी आपको काफी पतले पतले वो नहीं लेने होते हैं सेक्शंस, आपका अच्छे एक मोटे सेक्शंस में भी कर सकते हो, काफी मोटे भी नहीं, जितना आपके वॉन्ड की कैपेसिटी है. ये भी 3 साइजेस में आता है जो वॉन्ड होता है, पतला पतला, तो ये स्मॉल मीडियम और लार्ज में आता है. तो ये लार्ज है, सबसे मोटा है क्योंकि मुझे लंबे बीची वेव्स काफी पसंद है. तो आपको ऐसे रखना है यहाँ पर एंड देन काफी ध्यान से करना क्योंकि इसमें वो नहीं है क्लिप, तो आप अपने आप को हर्ट कर सकते हो. तो थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, एक दो बार मे भी लग जाए, पर देन नाउ ये जो आप धुआं देख रहे हो ना, ये मेरे बाल नहीं जल रहे हैं, ये जो हमने हीट प्रोटेक्टेंट यूज किया था उसका वो है. नाउ आपको उसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखना होता है, कुछ सेकंड्स एंड योर टर्न.
बहुत सिंपल है, ऐसे बहुत ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रखना पड़ता है। अभी मुझे दूसरा सेक्शन लेना है तो मुझे इसको नीचे रखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि आप इसको फ्लो पर रख लो। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, मैक्सिमम 8 to 10 सेकेंड्स। Look at that waist. सिमिलरली आई रिपीट ऑन दिस सेक्शन, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको हाथों का एंगल कैसा रखना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अभी आप राइट हैंड ऐसे यूज कर रहे थे, अब आपको लेफ्ट हैंड ऐसे यूज करना है, तो आपका जो एंगल है वो बिल्कुल सही बैठेगा। अगर आप यहाँ पर भी राइट हैंड ऐसे करके यूज करोगे तो इमेजिन ना आपने वेव्स ऐसे डायरेक्शन में लिया तो ऐसे डायरेक्शन में हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि वॉन्ट ऐसे डायरेक्शन में होना चाहिए, सो अब आपको अपना लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ेगा। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सेम लाइक सेक्शन करो like this and then start doing it. Right, so we are done with this part. I'm gonna take it back and अब हम शुरू करेंगे crown section से। मुझे ये फ्रंट सेक्शन काफी अच्छे से करना बहुत पसंद है। लाइक दिस गिव्स यू वॉल्यूम। अगर आपको और ज्यादा वॉल्यूम चाहिए ना तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके कर लो तो आपको और ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा। लाइक इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है एंड देन अगर इसको सेक्शंस में डिवाइड करके करेंगे ना तो वी विल गेट मैक्सिमम वॉल्यूम। अगर जब भी आपको और वॉल्यूम ऐड करना हो ना तो आप सेक्शंस कर लिया करो। This is how our waves look like. And what do you thought? We are done. We are not yet done. तो अब हमें क्या करना है, हमने पूरे अच्छे से waves कर लिए हैं and now अब हमें इनको loosen up करना है। तो हम क्या करेंगे, we'll take our head down and do them like this. We'll get our head down and this is we have known as beachy waves. ये है perfect beachy waves. Look at that.
ओके तो अभी मेन स्टेप इज इनको सेट करके कैसे रखना है. डू यू सी दैट वॉल्यूम? ओ माय गॉड. हम इनको सेट करने के लिए यूज करेंगे सेटिंग स्प्रे. नाउ मार्केट में बहुत सारे सेटिंग स्प्रे अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट कोई ऐसा मत करना जो जल्दी से सलॉन्स में यूज होते हैं ना, आपके हेयर को इतना जकड़ देते हैं, चापी बना देते हैं. जब मैं इसको यूज करती हूँ ना तो चारों पांचों दिन मेरे हेयर काफी सॉफ्ट रहते हैं, ऐसा लगता नहीं है कुछ यूज किया है. तो आई एम गोना टेक इट. वी हैव आवर परफेक्ट बीची वेव्स रेडी. But I love this. यही चाहते थे आप लोग, यही देखना चाहते थे आप लोग. तो अब आप खुश हो, अब आपको सुकून मिल गया, इतना ज़्यादा requested था. Alrighty my people, with that we come to an end of this video and this is how our hair look. I love it, perfect beachy waves. I hope that you enjoyed. आप लोगों ने बहुत request किया था, so I was so happy to make this video. I hope कि video अच्छी लगे, helpful रहे. अगर helpful रहे तो आपको करना है channel को subscribe, video को like and I'll see you tomorrow. Till then stay safe, stay happy. Bye bye.